स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा को लेकर बाल आयोग ने एसओपी जारी की है। बाल आयोग ने 13 बिंदुओं की एसओपी जारी की है। इसमें स्कूलों में प्रार्थना के बाद और छुट्टी के पहले 10 मिनट गुड टच एवं बैड टच की जानकारी बच्चों को दी जाएगी। प्राइवेट स्कूल में बाल सहायता एवं सुरक्षा समिति का गठन होगा जिसमें अभिभावक शामिल होंगे। भोपाल के बिलाबोंग स्कूल में बच्ची के साथ हुई घटना के बाद आयोग एक्शन मोड में नजर आया। बाल आयोग ने एसओपी जारी की है। स्कूल में बैड टच गुड टच की जानकारी देने को कहा गया है। प्राइवेट स्कूलों में बाल सहायता एवं सुझाव समिति का गठन होगा। प्राइमरी मिडिल एवं हाई सेकेंडरी में से एक एक अभिभावक 3 अभिभावकों को समिति में शामिल करना होगा। समिति की प्रत्येक माह में बैठक होनी जरूरी होगी। बैठक की रिपोर्ट जिला शिक्षा अधिकारी और राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को भेजी जाएगी। स्कूल आवागमन के साधनों में महिला चालकों को प्राथमिकता दिए जाने का प्रावधान होगा। इसके साथ ही स्कूल आवागमन की व्यवस्था में उच्च न्यायालय की गाइडलाइन का पालन करना जरूरी होगा। सीसीटीवी कैमरे के DVR का डेटा कम से कम 30 दिनों तक रखना जरूरी होगा। स्कूल से जुड़े सभी कर्मचारियों का पुलिस वेरिफिकेशन कराना जरूरी होगा। प्री प्राइमरी में प्राथमिकता के साथ 75% महिलाएं स्टाफ ही रखना सुनिश्चित करें। 15 दिनों में SOP का पालन सुनिश्चित कर बाल आयोग को अवगत कराएं। निजी स्कूल में लगातार घटनाओं की जो बच्चों के साथ बढ़ोतरी हो रही है उसको देखते हुए आज हमने एक महत्वपूर्ण SOP बाल संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत जारी की है, जिसमें विशेष तौर पर जो हमारे छोटे बच्चे हैं प्री प्राइमरी के, जो कि बहुत ज़्यादा अबोध होते हैं, जो जानते नहीं किसी बात को, उनके लिए कक्षा की प्रार्थना के तत्काल बाद 10 मिनट और छुट्टी के 10 मिनट पहले, आधा घंटा पहले, उसमें 10 मिनट बैड टच गुड टच सेफ अनसेफ क्लास टीचर यानी कक्षा के टीचर को बताना होगा आवश्यक रूप से। एक प्रमुख बात यह है। दूसरी बात ये कि एक कमेटी का हमने गठन किया है जिसमें अभिभावकों को अपनी बात रखने का प्रभावी तौर से मौका मिले, उसके लिए बाल सहायता एवं सुझाव कमेटी इसे नाम दिया है। और उसमें हमने सरकार के 3 प्रतिनिधियों को भी जोड़ा है, एक तो ब्लॉक स्तर के महिला बाल विकास अधिकारी, एक ब्लॉक स्तर का BRC यानी शिक्षा अधिकारी, और दूसरा है बाल कल्याण पुलिस अधिकारी यानी पुलिस को भी हमने जोड़ा है। ये तीनों को हमने उसमें जोड़ा है, जो महत्वपूर्ण बात है। और ये कमेटी जो है वो एक प्रत्येक माह में बैठक करेगी और बैठक करके जो भी पालकों की समस्याएं होंगी, और दूसरी बात उसमें हमने बच्चों की सहभागिता भी ली है, यानी कि प्राइमरी मिडिल और हायर सेकेंडरी सेक्शन से 3 बच्चों को भी लिया है, 3 पालकों को लिया है तीनों सेक्शन से। इस प्रकार से कमेटी बहुत मजबूत और प्रभावी तरीके से काम करेगी। और तीसरी बात यह है कि जो आजकल जो हमारे आवागमन के साधन है स्कूल के, इन पर भी हमने इस CCTV का जो DVR का डाटा है वो कम से कम 1 महीने तक सुरक्षित रखना होगा, ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरी बात यह है कि ट्रैफिक के नियमों का पालन तो करना ही है, और महिला चालक हो सके तो इसको प्राथमिकता देना है, ये महत्वपूर्ण। और बाकी SOP में कई महत्वपूर्ण बातें हैं जिसको लेकर हमने निजी स्कूलों को लेकर प्रदेश के समस्त 52 जिलों के कलेक्टर और SP को ये पत्र लिखा है और जिला शिक्षा अधिकारियों को उसकी सूचना दी है और संबंधित प्रदेश के जो कमिश्नर हैं उनको सूचना। What starts here changes the world of opportunities, the world of inspirations. We are LNCT Group, where every beginning changes the world, providing the best results, highest packages, and delivering the best manpower to the biggest companies in the world. LNCT Group, choose the best to be the best. For admissions, call 7440-777-111. Rabindranath Tagore University, the pioneers in skill development. With focus on creating industry-ready professionals. Join India's premier skill-based university, Rabindranath Tagore University. देख रहे हैं दखल न्यूज़।